तो देखिए, इससे पहले हम बात कर रहे थे सिंहासन की। विधानसभा चुनावों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में टिकट की आस के दावेदार जुटने लगे हैं। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी जो मजबूती के साथ दावेदारी जता रहे हैं। मौजूदा विधायक और बदलाव को लेकर भी जनता अपना मन अपने विचार बनाने लगी है। जनता के मन को जानने और मौजूदा हालातों को लेकर फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और मौके का सियासी मिजाज जाना भी देखिए। स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया के विकास प्रोग्राम में, जहाँ पर हम पहुँचे हैं विधानसभा की ग्राउंड जीरो के वोट डालने। हम पहुँचे अजमेर के संभाग के भीलवाड़ा जिले के अंदर, जहाँ पर बाड़ा विधानसभा पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर लोगों से जानेंगे मौजूदा विधायक की हालत और आने वाले चुनाव में किसका चेहरा चाहते हैं वो विधायक के रूप में। आज हम बात करते हैं कुछ लोगों से कि उनके मन में क्या है। नाम बताइए और कहाँ से रहे हैं, क्या विधायक को लेकर कुछ तो आप चुनाव जिताना चाहते हैं। हम झंडापुरी के रहने वाले हैं, हम लाल के चुनाव जो अभी मौजूदा विधायक है उनकी क्या स्थिति है। ये ठीक है ऐसे, पर हम अभी वो लाल के कोई कमी या पेशी है यहाँ पर भी काम में काम कर। जो विधायक है विधायक थी उसके काम कैसे सही है। उसके काम तो अच्छे नहीं है, जो आगे से बजट पास है क्योंकि नाले सड़क सब काम का बिना सब नहीं हुआ। बजट भी पास हुआ तो भी मतलब अतिक्रमण भी बहुत हो रहा है, तो मतलब विकास का नंबर नहीं है। तो विकास के नाम पे लालू लाल जी को वोट देंगे। विकास का नाम पे लालू लाल जी पिछलिया जी को। बाबा आप तो बहुत पुराने विधानसभा चुनाव कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है। बाकी लालू लाल जी दिया दूसरे काम करें, बाकी जगह जगह दे रहा था, बता दे रहा, कोई भी चीज पूरा समर्थन मिलेगा सर। मेरा नाम राजेंद्र कुमार गोयल है। लालू लाल जी पहले भी नेट लिए खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा वोट लिए और अभी पक्का इनको टिकट मिल जाएगा तो पक्की सीट निकल जाएगी। तो लगता है उम्मीद है भारत लालू जी पक्का जीतेंगे। सहारा की बात करें तो वोट तो लगाया किसी से नहीं आया, किसी को मिलेगा लालू लाल जी मिलेगा तो ये बीजेपी जीतेगी, बाकी नहीं जीतेगा। मौल जी आप बताएं कि जी भाई साहब आपने कहा कि वर्तमान विधायक कैसा है, अगर वर्तमान विधायक सही होता तो आज लादूलाल पिछले को इतना याद नहीं करते पब्लिक, और लादूलाल जी की पिछलिया जी को तो कौन नहीं जानता है। विधानसभा से सभी बच्चे बच्चे को पूछ लो आप, लादूलाल जी पिछलिया का कार्य सब जानते हैं, तभी आज इतने पब्लिक याद कर रही है उनको। और लादूलाल जी को अगर टिकट मिलता है तो 100% हम विश्वास से कहते हैं कि साड़ा विधानसभा में अब की बार कमल खिलेगा। कमल की बात हाँ बताओ बस। लादूलाल जी पीटला के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि 15 सालों से वो लोगों की जो सेवा कर रहे हैं ना, जो गांव गांव और डाइन डाइन वो जाते हैं, लोग उनको मतलब मनुष्य के बारे में नहीं जानते, उनको एक भगवान के रूप में जानते क्या है कि लोगों के मुसीबत में मतलब इतना काम आते हैं कि पूछो मत। गाय के खाक लेके चाहे बोल लो तो वो भिजवा देते हैं, गाय के पो के बारे में चाहिए तो भिजवा देते हैं। कोई भी आदमी आज इसकी कमजोरी होने पर उनको पैसा भी देते हैं, मतलब हर चीज़ के मतलब पीटले जी उनको हर चीज़ का निवारण करते हैं ना। मतलब राम मंदिर के बारे में उन्होंने जो पूरे विधानसभा में कुन भी कोई भी नेता नहीं दिया उतना मतलब पैसा उन्होंने दिया कि नहीं। मतलब मैं लादूलाल जी पीटले से जुड़ा हूँ, कभी भी मैं उनसे कभी संपर्क करता हूँ तो मेरी वो कभी काम कभी मना नहीं करते कि नहीं। मतलब मैं बोल रहा हूँ उनको अगर टिकट मिले मतलब विधानसभा में जो नेता कभी कितनी मितों से नहीं था उतनी भारी जीत होगी। भारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, विधायक की बात करें तो विधायक की क्या स्थिति है। विधायक ने काफ़ी अच्छे काम कराए हैं आपके गंगापुर में, अगर बात करें तो जैसे कि सैटेलाइट हॉस्पिटल मिला है गंगापुर को, सरकारी कॉलेज मिला है गर्ल्स बॉयज में, तो देखा जाए तो बहुत अच्छा काम किया है। वो तो किसी विचारधारा से अगर देखेंगे तो उसी विचारधारा आएगी हमारे मन में। बाकी विधायक साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, गहलोत साहब की बहुत अच्छी जनहितकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ जरूर मिलेगा आने वाले समय विधानसभा के चुनाव में। अगर पार्टी अगर लादूलाल पिछलिया को अगर देती है बीजेपी तो एक तरफा जीत हो। आप क्या कहना चाहेंगे बाबूजी, काफ़ी पुराने लग रहे हैं, आपने कई चुनाव देखे होंगे तो लादूलाल पिछलिया का नाम ज़्यादा चल रहा है, लेकिन सरकार की अगर मौजूदा विधायक की बात करें तो क्या स्थिति है। मौजूदा विधायक है, उनकी जो छवि है वो नेगेटिव है,
तो नेगेटिव में आप सारी बातें समझ रहे हो, जो नेगेटिव में क्या होती है वो सारी के सारे नेगेटिव छिपी वाली जितनी भी बातें होती है वो सारी सारी। दूसरी बात क्या है, इनके हाथ में कुछ नहीं, जो विधायक है उनके जो लड़के हैं ना वो सब काम करते हैं। तो आजकल जो 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 लड़के होते हैं वो सारे के सारे गुण समझो अवगुण समझो वो सारे उन लड़कों में तो निश्चित रूप से कोई सोचने की बात नहीं किसी के, जो भी भाजपा का प्रत्यक्ष है और दूसरे जितने भी जो भाजपा के समर्थक हैं वो सारे के सारे पीटलिया जी को आँख मूंद करके ऊपर वोट। मतलब कहना आप ये चाह रहे हैं कि अगर भाजपा से पीटलिया जी को टिकट मिलता है तो 100% 100% का मतलब 100% है। और इसके अलावा पीटलिया जी का काम भी बहुत है, उन्होंने हर जगह पूरे क्षेत्र में काम कर लिया, हर गाँव में उन्होंने, आप जाइए कहीं चेहरा हो चाहे बेंच हो चाहे सेवा भाव हो चाहे अस्पताल का काम हो किसी कोई भी काम हो किसी को जो जरूरतमंद हो जो मुसीबत में है सबका काम उसके वो आदमी काम। बाबू जी आप भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं, पीटलिया जी का नाम ज़्यादा चल रहा है लेकिन सरकार के भी दावे हैं कि कई विकास कार्य किए हैं, तो आपको क्या लगता है मौजूदा विधायक जो फिर नाम है कांग्रेस विरोधी है और जनता बदलाव चाहती है, युवा चेहरा चाहती है, युवा यूथ को किसी को टिकट मिले युवा चेहरे को तो प्रचंड जीत है उसका युवा चेहरे। लेकिन बता रहे हैं कि विकास कार्य में उन्होंने चाहे पद पर हो चाहे नहीं उन्होंने खूब काम किया, विकास कार्य का मतलब तो सेवा हो रही है जनता में उसके सेवा बहुत कर रहा है सर साहब, बिल्कुल सेवा बहुत कर रहे हैं जी भैया। आप बताएं किस तरीके से लालू लाल जी पीटलिया भाई साहब पिछले कोरोना 2020 में जो कोरोना लगा किसी भी नेता ने उनको आके पब्लिक को ये नहीं पूछा कि कैसे हो क्या, उसने कंटिन्यू पूरे कोरोना में सारी जनता की सेवा करी, आटा डाला चारा डाला पूरे लॉकडाउन में इतनी सेवा करी, वो किसी पद पर नहीं है आज पार्षद भी नहीं है वो फिर भी इतनी सेवा कर रहा है, ये संकोच होती है कोई नहीं कर सकता आज, और किसने नहीं करी उसको पार्टी टिकट दो मत दो कोई मतलब नहीं, पर वो आदमी इतनी सेवा करता है वो सबके लिए है, मैं खुद कांग्रेस हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, पर आदमी का काम बोलता है काम इतना कर रहा है वो जो आप किसी भी जनता को आप तो ये शहर में आए गंगापुर में गाँव में जाओ गाँव में जितने भी काश्तकार लोग हैं सब वो पीटलिया जी के फेवर में, इस संकोच इतनी सेवा करने वाला कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा 15 साल से, कोई कहता है कि पार्टी जो जातिवाद चल रहा है उसका कुछ नहीं है, वो फर्स्ट बार चुनाव लड़ा उसको 35,000 वोट दे सब मिले ऐसे ही नहीं मिले उसको काम के ऊपर मिले, और दूसरे जितने भी यहाँ निर्दलीय खड़े हुए हैं उनको आज अंदर 3,000-5,000 से वोट ज़्यादा नहीं मिले, तो वो निसंतर जब टिकट नहीं दे रहे तो भी लड़ रहा है और तो भी काम कर रहा है और कोई पोस्ट पर नहीं है तो इतना अच्छा काम करा तो MLA होने के बाद वो क्या काम करेगा आप लोग का। भैया अगर आपसे बात करें तो पीटलिया जी का नाम ज़्यादा रहा लेकिन सरकार की तो कई योजनाएं चाहे वो फॉरवर्ड बिजली फ्री की बात हो नहीं सर और बिल ज़्यादा आ रहा सर यंत्रे हैं और बाकी सो बात की एक बात है अगर बीजेपी को टिकट लाना है तो पीटलिया जी को ही लाना पड़ेगा बाकी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पीटलिया जी को टिकट नहीं मिलता और चुनाव लड़ते हैं फिर क्या स्थिति होती है, कांग्रेस आ जाएगी सर कांग्रेस आएगी बीजेपी तो नहीं आएगी। लेकिन अभी मौजूदा विधायक की बात करें गायत्री देवी की तो उनकी स्थिति क्या है बाजार के अंदर अगर बात करें तो विकास कार्य हो रहे हैं नहीं हो रहे फाड़ा जाए विकास कार्य इतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए क्योंकि केंद्र में राज्य में और इनके विधायक भी एक ही है हमारे नगर अध्यक्ष भी कांग्रेस में सब कुछ होते हुए भी इतना जो डेवलपमेंट होना चाहिए गंगापुर का इतना नहीं हो पाया है। उम्मीद लगती है कि पीटलिया जीत जाएंगे 101% निसंकोच और सब विधानसभा के भारी भरकम जीत होगा। भैया आप युवा हैं युवा चेहरा चाहते हैं आप पार्टी कोई भी हो युवा होना चाहिए उम्मीदवार वोट फॉर मोदी वोट फॉर चाहे कोई भी खड़ा हो बीजेपी से हम वोट फॉर मोदी के नाम। तो देखा आपने हमने लोगों से बात करी कि किस तरीके का यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर के हाल है चाहे वो कांग्रेस की बात हो चाहे भाजपा की बात हो और हर एक पार्टी हो रहे हैं क्या करेंगे। सारा विधानसभा में यही कहना चाहता हूँ कि इस बार जो अगर बीजेपी से टिकट मिलता है लालू लाल जी क्योंकि हम उनको निर्दलीय जिता कर लाएंगे ये मेरा मन में विश्वास है आत्मसंकल्प है क्योंकि जिन्होंने कोरोना काल में जैसे बीमारी में लाखों लोगों को सेवा की दवाई दी गायों के लिए गौशाला की व्यवस्था की और जिस प्रकार उनके विपक्षी पार्टियों ने उन्होंने गांव-गांव में उनकी ब्रांच और तोड़ी जाती थी जा रही है तो उससे कोई उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मेरा यही विचार और यही है कि अगर उनको निर्दलीय अगर टिकट भाई नहीं भी मिलता है बीजेपी से तो भी हम उनको निर्दलीय जिता के लाएंगे। पिछली विधानसभा में इस प्रकार उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा 30,000 वोटों से भी ज़्यादा वोट लाएँ तो अब के 30,000 वोटों से ज़्यादा ही वोट आएंगे ये मेरा।
बदलाव के यहाँ पर बात की जा रही है। बात हो रही है सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, क्षेत्र के अंदर जहाँ पर भ्रमण किया वहाँ पर जो विधायक हैं, गायत्री देवी मौजूदा विधायक हैं, उनके कामों से नाराजगी जताई जा रही है। और नाम जो सामने निकल के आया है लालूलाल पिथलिया का, क्योंकि लालूलाल पिथलिया को पार्टी टिकट देती है तो प्रचंड बहुमत के साथ उनको विजयी बनाया जाएगा। क्योंकि पूर्व में भी जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो करीबन 30-35 हज़ार से जो वोट थे 30-35 हज़ार वोट उन्होंने प्राप्त किए थे निर्दलीय खड़े होकर। तो लोगों की मांग ये की जा रही है कि जो विधायक का टिकट है अगर भाजपा जो है वो लालूलाल पिथलिया को दिया तो